हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिखा अग्रवाल। आज मैं ब्लेंड सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें मैं नेक्स्ट ब्लेंड लेकर आई हूँ, डबल ओ, जो कि साउंड करती है ओ की। मतलब इसमें दो टाइप्स की साउंड निकलती है डबल ओ से ही। अगर आप कहीं पे भी किसी भी वर्ड पे डबल ओ लिखा हुआ देखेंगे तो उसमें आपको दो साउंड्स निकाल सकते हैं आप, उसमें एक छोटे ओ की और एक बड़े ओ की, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो उसी का दोनों का डिफरेंशिएट आज मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ बिल्कुल, कि किस में आपको खींच के बोलना है और किस में आपको एकदम से बोलना है डबल ओ। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें डबल ओ आता है, जैसे बुक हो गया, गुड हो गया, तो वो होती है शॉर्ट साउंड, उसमें आपको डबल ओ शॉर्ट करके बोलना है। तो अब ये मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये वर्ड लिखा है मैंने कूल, तो ये कूल मतलब हम थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, और शॉर्ट में हो जाएगा गुड। इसमें भी डबल ओ आएगा और उसमें भी, दोनों में डबल ओ है, लेकिन उसकी जो साउंड निकालेंगे हम गुड, बुक, फुट, इस तरह से निकालेंगे। और जो ये लॉन्ग वाला है कूल, मतलब हमने इसमें खींच के बोला है कूल, फूल, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें हमने खींच के डबल ओ बोलना है, मतलब बड़ा ऊ जिसमें आता है वो हमें खींच के बोलना है। तो देखिए इसी तरह से कुछ और वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ एक बार लिख के, जैसे कि ये हो गया कूल। नेक्स्ट आता है हमारा रूफ, ये भी हम खींच के बोलते हैं रूफ। नेक्स्ट है फूल, फूल। नेक्स्ट आता है स्कूल, इसमें भी डबल ओ आता है, ये फोर लेटर वर्ड नहीं है लेकिन इसमें भी डबल ओ आ रहा है स्कूल, मतलब इसमें भी हम खींच के बोलना है हमें। और जैसे कि नेक्स्ट हो गया ऑप्शन शूट, शूट, शूटिंग जैसे होती है, तो उसमें भी हमें खींच के हमने ये बोला है शूट। नेक्स्ट आता है जूम, इसमें भी डबल ओ की हमारी लॉन्ग साउंड आएगी। बूट, जो बूट्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, लॉन्ग बूट्स, बूट्स। अब शॉर्ट साउंड वाले जो वर्ड होते हैं शॉर्ट डबल ओ, वो आता है फुट। अब देखिए बिल्कुल साउंड चेंज हो गई है, आएगा इसमें भी डबल ओ लेकिन साउंड क्या हो गई है मेरी, बिल्कुल चेंज हो गई है, वुड। अब मैं इसको वुड तो नहीं बोलूँगी ना, इसको क्या बोलूँगी, वुड। बुक, एकदम से बोला है बुक, मतलब डबल ओ की जो साउंड है वो शॉर्ट में आएगी। लुक, हम इसको लुक नहीं बोल सकते, लुक बोलते हैं। तो जहाँ पे भी बच्चों को इस चीज़ का डिफरेंशिएट दिखाना है कि कहाँ पे बड़ी साउंड आएगी कहाँ पे छोटी आएगी, हुड, एकदम से बोलने वाला हुड। तो ये लॉन्ग है एंड ये शॉर्ट है। तो बच्चों को आप इसमें एक्टिविटीज़ इस तरह से दे सकते हैं, आप इन वर्ड्स को मैच करके लिख दीजिए एक जगह और बच्चों को उसमें से सर्च करना है कि कौन सी लॉन्ग साउंड है और कौन सी शॉर्ट साउंड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्ड्स लिख दिए तो उनके आगे बच्चों को लिखना है एल, इसके आगे लिखना है एस, मतलब मिक्स करके दे दीजिए एक ही पेज पर, एक साथ लिखकर काफ़ी सारे वर्ड्स कि ये लॉन्ग साउंड वाले हैं और ये शॉर्ट साउंड वाले हैं। एक तो एक्टिविटी हो गई इनकी ये। दूसरी एक्टिविटी आप ये दे सकते हैं कि राइट एनी 5 लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स एंड 5 शॉर्ट डबल ओ साउंड वर्ड्स। उससे बच्चों का प्रोनंसिएशन, रीडिंग इम्प्रूव होगी और बच्चों को स्पेलिंग लर्न करनी आएगी। बहुत ईजी स्पेलिंग्स है ये, गुड, फुट, वुड, बुक, लुक, हुड, स्टूड, हुक, ये सारे जो हैं डबल ओ के शॉर्ट साउंड वाले हैं और ये जो सारे हैं वो डबल ओ की लॉन्ग साउंड। मतलब हमें इस इनमें डिफरेंशिएट करके बच्चों को सिखाना है कि डबल ओ जहाँ भी आता है वहाँ पे दो तरीके की साउंड निकल सकती है, बड़ी ओ और छोटा ओ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी बच्चों को पढ़ाई हुई है तो गुड में छोटा ओ की साउंड आती है और जो बड़े ऊ की साउंड आती है वो आती है इसमें लॉन्ग वाले में, कूल। मतलब अगर हम हिंदी में लिखते हैं कूल तो हम बड़ा ऊ लगाते हैं, बड़ा ऊ लगाएंगे, और अगर हिंदी में गुड लिखेंगे तो हम छोटा ऊ लगाएंगे। तो इसीलिए इनकी वजह से इंग्लिश में डबल ओ ही आएगा लेकिन उनकी साउंड चेंज हो जाएगी, प्रोनंसिएशन उनका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को रीडिंग में जो प्रॉब्लम आती है तो वो इस कंसेप्ट से बिल्कुल उनका क्लियर हो जाएगा कि हमें डबल ओ की साउंड में लॉन्ग बोलना है या शॉर्ट ऊ बोलना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको और भी वर्ड्स डबल ओ एंड डबल ओ लॉन्ग एंड डबल ओ शॉर्ट के याद आते हैं तो आप बच्चों से खुद पूछ के उन मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।